फ्रेंड्स, किचन क्लास 9 में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे लच्छा पराठा। तो आप देख सकते हैं ये हमारे लच्छे पराठे बिल्कुल बनकर तैयार हैं। एक एक लच्छा बिल्कुल अलग अलग है, तो इसी तरह से बनाएंगे हम ये लच्छा पराठा। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये हमने 2 बाउल आटा ले लिया है गेहूँ का। ये गेहूँ से भी बनता है और मैदे से भी बनता है, तो हमने यहाँ गेहूँ का आटा यूज़ किया है। तो ये 2 कटोरी हम आटा ले रहे हैं। इसको हमने छलनी से छान लिया है, आप भी इसको छान लीजिएगा। तो डालेंगे इसको सबसे पहले, फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। तो ये हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया है। अब जैसे आटा गूंथते हैं उसी तरह इसको गूंथेंगे। तो इसको हम गूंथ लेंगे, मिक्स करेंगे नमक को। जिस तरह से हम चपाती का आटा लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से आटा इसको लगा लेना है हमें। तो आटा हम गूंथ लेंगे अच्छे से। तो हमने ये रोटी जैसा डो लगा लिया है। अब इसको हम रख देंगे आधे घंटे के लिए ढक करके। तो आधे घंटे बाद इसे हम खोलेंगे। तो इसी तरह से आधे घंटे के लिए हम इसको रख देंगे। हमारे आधा घंटा हो गया है आटे को। तो ये देखिए आटा हमारा पूरा सेट हो चुका है। अब हम इसे थोड़ा सा हाथों से मसल लेंगे अच्छे से। तो ये हमने अच्छी तरह से इसे मसल लिया है। अब इसकी हम बनाएंगे लोइयां। अब चकले पे डालेंगे थोड़ा सा सूखा आटा। अभी थोड़ा सा हमने लोई ले लिया है, इसमें से हम 2 लोई बनाएंगे। हमें बहुत पतला पराठा नहीं बनाना है, इसलिए लोई थोड़ा मोटी ही लेना है। तो इस तरह से अपनी सारी लोइयां हम बना लेंगे। तो इस तरह से एक लोई ले लेंगे, डालेंगे सूखा आटा थोड़ा सा। जैसे हम रोटी बेलते हैं, हमें बड़ी सी एक रोटी तैयार करना है। तो एक बड़ी सी हम रोटी इस तरह से तैयार कर लेंगे। ये हमने थोड़ा मोटी रोटी तैयार कर ली है। अब हम लगाएंगे इस पे घी। तो आप चम्मच से, ब्रश से, हाथ से, किसी तरह भी लगा सकते हैं घी। ये हमने घी लगा लिया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा सूखा आटा। हाथों से इसको रब करेंगे, फिर डालेंगे थोड़ा सूखा आटा, फिर हाथों से इसको रब करेंगे और फिर इसे हम प्लेट बनाएंगे। ऐसे ऐसे उठाएंगे, ऐसे रखते जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमें प्लेट बना लेना है और इस तरह से हम इसे लंबा सा कर लेंगे फैला के। बिल्कुल इस तरह से हमें पतला और लंबा इसे बना लेना है। हमने लंबा सा बना लिया है, अब इसे हम फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हमें गोल गोल इसे फोल्ड कर देना है और यहाँ से इसे अच्छी तरह से चिपका देना है। और इस तरह से हाथों से इसे प्रेस कर देंगे हल्के हाथों से, और थोड़ा सूखा आटा लगा के इसको हम बेलेंगे। ध्यान रहे हमें हल्के हाथों से ही बेलना है, हमें बहुत तेजी से नहीं इसे बेलना है। देखिए मैंने इसे बेल लिया है इस तरह से। तो अब हम तवा गर्म करेंगे। तो गैस पर हमने एक तवा रख दिया है, गैस को ऑन कर दिया है, तवा हमारा गर्म है। अब इस पे डाल देंगे ये पराठा। अब हम इसे पलट देंगे। अब हम इधर लगा देंगे ऑयल या घी, आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ मैं ऑयल लगा रही हूँ, चाहे तो आप इसे सादा भी सेक सकते हैं जैसे हम रोटियाँ सेकते हैं।
और बाद में घी लगा के आप इसे खा सकते हैं। तो अच्छी तरह से हमें इसे सेक लेना है। अब हम उस साइड भी ऑयल लगा लेंगे। तो ये हमारा पराठा अब हो रहा है। अब उस तरफ हम पलट देंगे इसको। आप देख सकते हैं ये कितने लच्छे बने हुए हैं। ये लच्छे अब दिखाई देने लगे हैं होने के बाद। तो इस तरह से हमें अच्छी तरह से इसे क्रिस्पी सेक लेना है बिल्कुल। तो ये हमारा पराठा बनकर रेडी है। अब हम उतार लेंगे इसे एक थाली में। तो आप देख सकते हैं ये हमारा लच्छा पराठा बिल्कुल बनकर तैयार है। कितने सारे इसमें लच्छे पड़े हुए हैं आप देख सकते हैं। सारे लच्छे एक एक बाहर हो गए हैं। तो इसी तरह से आप भी बनाइए। तो अगर ये रेसिपी हमारी आपको पसंद आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।